नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश बोल रहा हूँ उन्नति कोट फार्म से। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपको ये उस्मानाबादी बकरियों का लॉट दिखाने वाला हूँ। और अगर आपको नया गोट फार्मिंग चालू करना है तो ये उस्मानाबादी बकरियों से गोट फार्मिंग चालू करना चाहिए। अदर ब्रीड की जो बकरियाँ रहती है वो सिरोही सोजत वो कैसी इतनी मजबूत नहीं रहती। तो ये उस्मानाबादी बकरियाँ कैसी देसी टाइप में बकरियाँ होती है, तो ये मजबूत बकरियाँ रहती। अगर आप इनसे गोट फार्मिंग चालू करेंगे ये बकरियों से, तो आपको कोई मतलब दिक्कत नहीं आएगा ज़्यादा। कैसा रहता है नया गोट फार्मिंग करते वक्त, तो इतना एक्सपीरियंस नहीं रहता है, तो एक्सपीरियंस आने तक ये बकरियों से गोट फार्मिंग चालू करना बहुत अच्छा रहता है। बाद में अगर आपकी इच्छा है तो बाद में आप दूसरे ब्रीड में भी काम कर सकते हैं। तो ये उस्मानाबादी ब्रीड का कैसा रहता है, ज़्यादातर इनका यूज़ मीट पर्पज़ के लिए किया जाता है, क्योंकि इनका जो मीट का टेस्ट होता है वो बहुत बढ़िया होता है कम्पेयर टू द अदर ब्रीड्स। और इनकी जो इम्यूनिटी सिस्टम भी होती है वो भी बाकी ब्रीड्स के मुकाबले बहुत स्ट्रांग होती है। और इनकी डिमांड तो ऑल इंडिया है, ऑल इंडिया में आप कहीं पे भी लेके जाएंगे ये उस्मानाबादी बकरियाँ, तो आपको इनको सेल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। मतलब इनके जो बच्चे रहते हैं वो बच्चे आपको बेचने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, जब 4-5 महीने के 6 महीने के बच्चे होने के बाद सेल होने के लिए तैयार रहते रेडी रहते ये बच्चे इनके। और ये बकरियाँ दूध भी समझो 1 लीटर 2 लीटर ऐसा दूध देती है। किसी दिन मैं आपको दूध निकालते वक्त भी वीडियो बना के दिखाऊँगा आपको कि ये बकरियाँ कितना दूध देती है लाइव प्रूफ के साथ। और ये जो आप वीडियो में बकरियाँ देख रहे हैं ना, वो ज़्यादातर सभी बकरियाँ सेकंड लैक्टेशन वाली बकरियाँ हैं, दूसरे बेत की बकरियाँ हैं। इसमें ज़्यादातर 75% दूसरे बेत की बकरियाँ हैं, और कुछ फर्स्ट प्रेगनेंसी वाली भी है और कुछ थर्ड प्रेगनेंसी वाली भी। तो आप देख सकते हैं बकरियों की क्वालिटी एकदम ज़बरदस्त क्वालिटी वाली बकरियाँ है, हाइटेड लंबी बकरियाँ हैं। तो अगर आपको नया गोट फार्मिंग चालू करना है, तो आपको अगर 50-100 बकरियों से स्टार्ट करना है तो थोड़ा कम लिया तो भी अच्छा है, लेकिन सभी बकरियाँ अच्छा लेना चाहिए। अगर आपको 100 बकरी लेना है तो 60-70 ही लेने का, लेकिन बहुत अच्छा एकदम बढ़िया बकरी होनी चाहिए। और बकरियाँ ख़रीदने के बाद उनका ख्याल रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी होता है उनका ख्याल रखना अच्छे से। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बकरियाँ लेते हैं और पूरा बकरिया आदमी के भरोसे छोड़ देते हैं, कभी बकरियों को देखते नहीं, सिर्फ 10 हफ्ते में 1 बार 15 दिन में 1 बार जाके देखते हैं। तो वैसा तो मतलब वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि वो बहुत उसमें कुछ सच्चाई नहीं है। तो देखिए फिलहाल तो ये लॉट पूरा बुकिंग हुआ है, लेकिन मैंने आपको ये सैंपल के लिए वीडियो बनाया कि ऐसी क्वालिटी वाली बकरी आपको हमारे फार्म पे मिल जाएंगी, और आपको जितना क्वांटिटी में चाहिए उतना क्वांटिटी में आपको अरेंज करके दे सकता हूँ। अगर आपको 5-6 बकरियाँ चाहिए तो आपको हमारे फार्म पे कभी भी बकरियाँ मिल जाएंगी, लेकिन आपको अगर ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए 30-40-50-100 या उससे ज़्यादा, तो आपको बुकिंग करना पड़ता है। बुकिंग करने के बाद हम आपको अरेंज करके दे सकते हैं आपको जितना क्वांटिटी चाहिए। और ऐसा नहीं कि बुकिंग करने के बाद आपको जो बकरी लाया वो पूरा बकरी लेना पड़ेगा, उसमें से आप चॉइस करके ले सकते हैं। आपको अगर 50 बकरी चाहिए और आपको 40 ही पसंद आया तो 40 ही लेने का, आपको जो पसंद है वही लेने का, ऐसा कुछ ज़बरदस्ती कुछ नहीं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर करें। आपके अगर किसी फ्रेंड को नया गोट फार्मिंग चालू करना है तो उनके साथ ये वीडियो आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं।